हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्वेता रसोई घर। आज बना रही हूँ तीखा पूरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीखा पूरी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में गेहूं का आटा लिया है और इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि आटे में गांठ ना रहे, और तेल डालने से आटे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और इसे अच्छे से मिलाना है। आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई जीरा, अजवाइन, काला तिल, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक एंड लास्ट में गरम मसाला पाउडर, और इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देके आटे को गूंथ लूंगी। आटे गूंथने के बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी और अच्छे से आटे पे मिला लूंगी। इससे आटे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और आधे घंटे के लिए इसे ढक के रख दूंगी। आधे घंटे बाद फिर से देखूंगी, आटे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी मैं पूरी बेल लूँगी। मैंने एक लोई काट लिया है और इसे अच्छे से गोल करके आटे में लगा के पूरी बेल लूँगी। हल्के हाथों से पूरी को बेलना है। पूरी को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा ही बेलना है। इससे पूरी अच्छे तरीके से फूलती है। मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और हाई फ्लेम पे तेल को गर्म करूंगी, और मैंने इसमें पूरी रख दिया है और इसे छनोटी की मदद से हल्के हाथों से दबाऊंगी। इसे पूरी अच्छी तरीके से फूल जाती है और मैं दूसरी तरफ पलट दूंगी। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पका लूँगी और पूरी हो चुकी है, मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैंने सारी पूरी छान लिए हैं। रेडी है तीखा पूरी। आप इसे किसी भी सब्जी या भुजिया के साथ खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।